नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर इज टू बी स्टॉट बाय अपलाइंग ब्रेक्स इन द नेक्स्ट फोर मीटर इफ़ कार वेस्ट 2000 किलोग्राम व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट नाउ स्नैरियो ऐसा है कि यह आपकी कार है ब्लॉक है ये इधर जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी आपको uh, यू दे रखी है अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाना है और ये जाके एस डिस्टेंस पे यहाँ पे आ, आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी सो so, नाउ इस केस में हमें बताना है फोर्स कितना होना चाहिए सो so, इस केस में अगर हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें उससे हम कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस विच एम्प्लाई जो आपका रिटार्डेशन या एक्सलेशन है दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय टू एस सो इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो है माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये अपने को दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आर इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे सो दिस विल बी फोर्टी मल्टीप्लाइड बाय फाइव बाय एटीन सो दिस विल बी इक्वल टू टू हंड्रेड बाय नाइन यानी कि टू हंड्रेड बाई एटीन यानी कि हंड्रेड बाय नाइन सो दिस विल बी इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय नाइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाइड एस एस अपने को दिया हुआ है इन फोर मीटर सो आपका जो एक्सलेशन है वो आ गया माइनस uh, ये हो गया टेन टू दावर फोर डिवाइडेड बाय नाइन का स्क्वायर हो गया एट्टी वन मल्टीप्लाइड बाय टू इन फोर ये आपका एक्सेलेशन हो गया ना यहाँ आपने को फोर्स बताना है तो फोर्स विल बी इक्वल टू एम और इसका मास जो दिया हुआ है वो है टू थाउजेंड के जी हालांकि सो आपका फोर्स विल बी इक्वल टू एम एट विल बी इक्वल टू टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दावर फोर डिवाइड बाई ये बन गया आपका एट मल्टीप्लाइड बाई एट्टी वन ना इसको कैंसिल करेंगे वो सारी कहानी करेंगे सो so, इसकी जो वैल्यू आ जाती है थ्री पॉइंट जीरो एट इन टू टेन टू द पॉवर फोर ये लगभग आपकी वैल्यू आ जाएगी सो दिस विल बी आ राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम